आप देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया और मैं अंकित सक्सेना गुड़गांव से। आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में गुड़गांव के अंदर कई जगह प्रोग्राम हो रहे हैं और दयानंद कॉलोनी के अंदर भी एक प्रोग्राम हो रहा है, तो हम जानते हैं मैडम से जिनके सानिध्य में ये एक प्रोग्राम हुआ है, बात करते हैं रेखा जी से। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और सभी को नमस्कार और हैप्पीनेस इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज है हनुमान जयंती की, हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सभी को। और अब मैं आपके प्रश्न का जवाब आपको देती हूँ कि हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हमने क्या किया और हमने कहाँ अपनी भागीदारी साझेदारी की। मैं रेखा भावी पार्षद उम्मीदवार, मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद है, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और जनता के सहयोग से और मैं हनुमान जी के आशीर्वाद से अपने राजनीति में और अपने जीवन में एक नया कदम रखने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ, सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप इस नए पड़ाव में और नई जिंदगी के पहले चरण में मेरा सहयोग दें और राजनीति के सफ़र को और बढ़िया बनाने के लिए अपना सहयोग जारी रखें। धन्यवाद। मैम, आप कौन से वार्ड से खड़ी हो रहे हैं? मैं वार्ड 16 से खड़ी हुई हूँ और वार्ड 16 हमारा एरिया है दयानंद कॉलोनी जिसमें दयानंद कॉलोनी, भीमगढ़ खेड़ी और अशोक विहार का एरिया है और सेक्टर 5 का एरिया है। यदि आप पार्षद के चुनाव जीतती हैं तो आप क्या क्या कार्य करेंगी? अगर भगवान ने चाही और जनता ने चाही, अगर मैं पार्षद का चुनाव जीतती हूँ तो ऑब्वियसली कि बहुत सारे काम हैं हमें करने के लिए, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और हेल्थ, ये हमारा मुद्दा रहेगा। मैं तो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन्हीं से अगर हमारा समाज स्वस्थ है, मानसिक और शारीरिक, तो हमारा पूरा समाज स्वस्थ है और हम एक कह सकते हैं महिला जो है वो परिवार के साथ जुड़ी हुई है। अगर परिवार स्वस्थ है तो वो एक समाज की नींव है, तो वो परिवार, ऑब्वियसली अगर परिवार स्वस्थ होता है तो बाकी सारे समाज स्वस्थ हो जाएंगे। और वो कब होगा? जब महिलाएं स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि आजकल पता ही नहीं है महिलाओं को कि उनके साथ क्या है, उन्हें क्या अपनी स्वास्थ्य क्या है, उन्हें अपने अंदर ब्लड की कमी है, उन्हें यही नहीं पता है, उनके टेस्ट प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, उनका स्वास्थ्य जाँच नहीं हो रहा है, ना चेकअप कराए, या फिर उनको कोई समस्या हो तो उनके लिए जो प्राइमरी हेल्थ सर्विस है वो उनको मुहैया होए, उनको उन तक जानकारी पहुँचे, वो जागरूक बने। तो आप जैसे जीतेंगी तो स्वास्थ्य शिविर भी लगाएंगी आप? हाँ बिल्कुल लगाएंगे, हम स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे, अपने स्तर पर लगाएंगे और जितना हमसे बन पड़ेगा उतना लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम हर महिला तक पहुँचने का प्रयास करें, क्योंकि होता है घर घर जाने की मुहिम होती है कि हम स्वास्थ्य की सेवाएं पहुँचा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हम कोशिश करेंगे कि बच्चे और महिलाएं, अगर ये दो स्वस्थ रहेंगे तो मनुष्य का जो पुरुष समाज है वो भी सुरक्षित स्वस्थ रहेगा और सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात करी रेखा जी ने और अपने विचार व्यक्त किए, और आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पे आज से उन्होंने घोषणा कर दी है पार्षद की कि मैं पार्षद में विजयी बनूंगी और ये सारे कार्य करवाऊंगी।